हेलो हेलो नमस्ते अंकल, कौन बोल रहा है? बात ये है कि जिंदगी में एक बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बात? अभी तो बोला किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो कैसे बताऊं? अरे दिमाग मत करे यार। नहीं मैं बोलो बोलो सुनिए। हेलो, रेलवे स्टेशन पे हूँ, उच्चाहार एक्सप्रेस पकड़ना है। टिंग टिंग टिंग, किसी अनजान किसी अनजान पहले अनाउंसमेंट करने दे मेरे को, बीच में मत बोल। ये कौन से रेलवे स्टेशन पे है? कैसे बोल कैसे बोल रही है? बोल सकती है वो महिला शक्ति, जानते नहीं हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने का सामान ना ले। ओके बाय। सुना आपने? सही कह के गई है, हमें नहीं लेना चाहिए, वो तो बचपन से ही सब बोलते हैं। तुझसे पूछा मैंने, मैंने सही कहा या नहीं? मैं जो मन है वो कहूँगी। सॉरी, इसके वजह से इस अनाउंसमेंट की वजह से मैं 3 घंटे से भूखा हूँ। तो भूखा क्यों है? समोसे वाले। हाँ जी। आपके फूफा जी कैसे हैं? 10-4। 10-4 हाँ, समोसे 10-4 लेने हो तो बताओ। फूफा जी पूछ रहे हूँ, बुआ जी किस गांव में ब्याही हैं? आता मैं थोड़ी देर में। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने को न ले। इसने कहा अनजान आदमी से नहीं लेना, इसलिए मैं इससे पहले कोई जान पहचान बना रहा हूँ, रिश्तेदारी निकाल ले रहा हूँ समोसे वाले से। सही बताओ, फिर से बड़ा तूने देखा कि मेरी बात जान पहचान हो जाएगी, फिर समोसे ले लूंगा। मैं जानता हूँ समोसे वाले को, मैं जान पहचान कराता हूँ तेरी, मेरी बात करा। क्या बात? एक मिनट, समोसे वाले भूख लग रही है, इनसे बात कर दो। हेलो। हाँ भैया, समोसे 10-4। तो ना समोसा गर्म है? हाँ बहुत गर्म है, बिल्कुल गर्म है, फ्राई करके लाए। और नहीं नहीं, एक से मिर्च वगैरह तेज है ना? बहुत तेज है। अजय तो 10-4 है, सुन। हेलो। हाँ जी, हेलो, क्या 10-4 है ना? हाँ बउआ, रुक एक सेकंड। 10-4 है। हाँ तो एक काम कर, 4 समोसे डाल दे। दिमाग खराब कर दिया था, दिमाग चला समोसे खाने। यात्रीगण, अबे चुप कर, तू कोई नहीं है यहाँ पे। यात्रीगण सब, ए कौन बदतमीज आदमी है? ए क्या बोल रही है तू? हम कर रहे हैं बदतमीज, तू कर रहे खराब कर रहे समोसे लेने यहाँ पे। यात्रीगण कर रहे। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया, कैसे जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात कर रही है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करते हैं, आपके हम है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात, तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो दबा जी। सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेचने? अच्छा, सुझाव दे रहे? सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात। गंदी बात, सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मक्खा नहीं, मैं मक्खा सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? भिन भिन आती हैं। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ए, ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं एक मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। एक सेकंड रुक, एक सुनिए सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौए ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पर मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं बोली। चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों का भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। एक सेकेंड, गंदा फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। बउआ? नहीं, बउआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बउआ।
से भैया किसको बात करनी किससे बात करनी। मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट दो प्लीज सुनो एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 ईंटें जिससे घर बनता है। हाँ जिससे घर बनता है। ना 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 ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे पागल ईंटों से मकान बनता है। घर तो इंसान से बनता है। बहुत हैडा मैं तू। नहीं नहीं सुनो अगर मेरे पास 50 ईंटे हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49 वेरी गुड। अब बताओ आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे। यार तेरा दिमाग पागल है। ओ एक सेकंड मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो हाथी रखो फ्रिज बंद कर दो खत्म। अब बताओ आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना तेरी तोड़ दूंगा। ना ना एक सेकंड। अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है। हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है उसको मगरमच्छ होता है ना क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई। अरे आसानी से पार करेगी क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुढ़ी के सर पे लग गया होगा। बस करो। चल अरे बड़ा दिल खुश किता है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले। दिल खून चूसिया। हेलो हेलो भैया जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही है। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लीप हो गया। हेलो क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये आप रेडी है या नहीं है? हम एक हेलो तो फिर क्या मतलब? ये कंफ्यूज लग रहे। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है बताइए? गई रे गई भैंस पानी में रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी? देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे है। मेरा इससे क्या मतलब? हाँ इनका क्या मतलब अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद है? करती होगी पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा मतलब पता चलेगा। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला अरे चोला अरे चोला ब्रुंटो चोला ब्रुंटो चोला ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीस कर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सो मेनी डिफरेंट नेम्स ओनली यू कैन अटर टिन्यो, बट एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन जी? मैं बउआ।